आप सब लोग जानते हैं कि जो लद्दाख है, करगिल और लेह, ये दोनों जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। करगिल में द्रास है, सुरू वैली है, बटालिक है, जांस्कार है, इसी तरह लेह में जो है नुब्रा है, पेंगोंग है, बाकी जो वहाँ पे सुमररी लेक वगैरह है। तो टूरिस्ट सीज़न 2022 का जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। 25 मार्च को हमने ट्रैफिक भी शुरू किया जो कश्मीर और करगिल के दरमियान है। तो इसके साथ साथ हमने देखा कि ट्रैफिक जो वायलेशंस हैं, जब ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ता है तो वायलेशंस भी जो है वो बढ़ती हैं। तो उसी चीज़ को देख के जो हाई बीम का जो है वायलेशन है, जो गाड़ियाँ कश्मीर से आती हैं या रेस्ट ऑफ इंडिया से आती है, दिल्ली से आती है, जम्मू से आती है, और जो इवन लेह से लेह में चलते हैं, करगिल में लोकल चलते हैं, तो हमने देखा कि रात के टाइम जो है, नाइट के टाइम लोग हाई बीम लाइट का यूज़ करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि हमने 3 साल का जो ट्रैफिक का स्टडी किया था तो उसमें 204 एक्सीडेंट्स लद्दाख में हुए हैं, जो अगर पूरे इंडिया में आप देखोगे तो वो बहुत बड़ा फिगर है। और उसमें एक जो मेन जो काज है वो है हाई बीम लाइट्स का यूज़। हाई बीम लाइट्स का यूज़ का मतलब है कि जब रात को ड्राइवर चलता है वो लाइट्स को स्ट्रेट रखता है, वो लाइट्स को स्ट्रेट रखता है। जब अपोजिट में आपको गाड़ी दूसरी आती है तो उसमें उसको उसका ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, कुछ देर के लिए वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, उसको नज़र नहीं आता है कि आगे उसका रास्ता, उसको कहाँ जाना है, जिससे होता है क्या है, हेड ऑन कोल्यूजन होता है, एक्सीडेंट होता है, और उसमें लोगों की जान भी जाती है और जो फैटल इंजरीज भी होती हैं और लोगों की जान भी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा वायलेशन है, ओवर स्पीडिंग है, रॉन्ग पार्किंग है, जो हमारे मेन वायलेशन है, ड्रंकन ड्राइविंग है, जो आउटसाइड रेस्ट ऑफ इंडिया से जो लद्दाख में लोग आते हैं वो कभी कभी ड्रंकन ड्राइविंग भी करते हैं। तो ये 3-4 वायलेशंस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है और मेन वायलेशंस है। तो इसी चीज़ को लेके लेह में भी हमने पहले शुरू किया चालानिंग, करगिल में भी किया, तो आज हमने सिग्नेचर कैंपेन जो है वो करगिल में शुरू किया। आप देख रहे होंगे कि ये सिग्नेचर कैंपेन जो है ये हाई बीम लाइट्स को लेके है। तो मीडिया के ज़रिए मैं तमाम जो करगिल के कम्यूटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नाइट के टाइम जो है, ख़ास तौर पे जो करगिल सिटी है इसमें, या जो सुरू वैली की तरफ, जांस्कर की तरफ जाते हैं, या जो करगिल में द्रास में गाड़ियां चलती है, तो हाई बीम लाइट का वो यूज़ न करें। और जब भी, और हाई बीम का लाइट जो है बेसिकली जब ये बनाई गई इसका मकसद ये था कि उस जगह पे इसको यूज़ करना है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे आप लीगली जो है हाई बीम लाइट को यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे भी उसमें कंडीशन रखी गई है कि 200 मीटर के अंदर जो ही ड्राइवर को कोई गाड़ी नज़र आए उसको हाई बीम लाइट को लो बीम कर देना है, ये आपने ख्याल में रखना है। और शहरी इलाकों में हाई बीम लाइट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए अवेयरनेस जो है मीडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि लोगों को समझाए कि हाई बीम लाइट क्या होती है। हाई बीम लाइट वो लाइट है जब रात को ड्राइवर चलता है तो लाइट्स को वो स्ट्रेट रखता है जो दूसरे ड्राइवर की आंखों पे पड़ती है, उससे एक्सीडेंट होता है।
तो इसका यूज़ बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए शहरी इलाकों में। तो जब भी आप आगे से गाड़ी देखते हो तो हाई बीम को आपको लो बीम पे लाना है, ताकि दोनों तरफ से जो गाड़ियां हैं वो आराम से चले और एक्सीडेंट ना हो। सर, जिस तरह ये सुनने में आ रहा है कि डांसिंग कॉप जो है वो लद्दाख में लाया जा रहा है ताकि लद्दाख के ट्रैफिक को सुधारने के लिए, इसके ऊपर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल आपने सही सुना है, कल जो रंजीत सिंह है, हमने जो उनके कमिश्नर ऑफ पुलिस थे इंदौर के, हमने उनको चिट्ठी लिखी, इसमें हमारे पुलिस हेडक्वार्टर का इनिशिएटिव है, तो उनको चिट्ठी लिख के हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है। वो कल यहाँ पे 31 को लेह में पहुँचेंगे, एक दिन वो उनका एक्लेमेटाइजेशन वगैरह होगा। तो फर्स्ट से जो है हमने बाहर से ट्रेनर्स भी बुलाए हैं, शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी J&K से हमने बुलाए हैं, हमने जो हमने मॉडर्न गैजेट्स लिए हैं जैसे स्पीडोमीटर है, ब्रेथ एनालाइजर है, वो हमने जो है बॉडी वर्न कैमराज लिए हुए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने लिए हैं जिससे हम ट्रैफिक वायलेशंस को चेक करेंगे। तो उनके जो जिनसे हमने वो सामान लिया है वेंडर्स वगैरह, उनको भी हम बुला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से हम इसकी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। जो रंजीत सिंह है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो पूरा हमारी कंट्री में पॉपुलर है, उसका अपना एक तरीका है लोगों को जो है वो कन्विंस करने का और ट्रैफिक को रेगुलेट करने का। आपको जैसे पता है कि लेह और करगिल में टूरिस्ट सीजन में बहुत ज़्यादा गाड़ियां चलती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उनको लेह में और करगिल में दोनों जगहों पे वो हमारे पुलिस कॉप्स को ट्रेन करेंगे कि किस तरह से फ्रेंडली वे में, एक प्ले वे मेथड में, एक फ्रेंडली वे में किस तरह से जो है ट्रैफिक को हम रेगुलेट कर सकते हैं। सर, अगर ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक को लेकर तो काफ़ी सवाल आते हैं सर, काफ़ी क्वेश्चंस थे, अब आपके पास भी टाइम कम है, एक तो सवाल होंगे सर क्यों, जैसे आपने भी फरमाया है कि ट्रैफिक कंजेशन को लेकर कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है सर काफ़ी कंजेस्टेड है, बदनिस्बत लेह में भी, लेह में तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं सर ट्रैफिक को लेकर। अब आपने भी फरमाया कि जोजला भी खुल चुका है, आप संस्कार हाईवे भी ऑलरेडी खुला है, उसके अलावा काफ़ी तादाद में टूरिस्ट भी आएंगे सर, तो आने वाले दिनों में स्मूथ ट्रैफिक के लिए आपकी तरफ से कोई स्ट्रेटजीज या प्लान? देखिए, इसमें यह है कि सबसे बड़ी हमारी जो वायलेशन है लेह और करगिल में है वो है रॉन्ग पार्किंग की। तो इसमें लोग जो हैं इनका हमें कोऑपरेशन चाहिए, मीडिया का इसमें सपोर्ट पूरा होना चाहिए, मीडिया को लोगों को अवेयर करना है कि लोगों को चाहिए, क्योंकि हर घर में चार चार पाँच पाँच गाड़ी है, लोगों को ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और जहाँ पर ऑफिसेज नज़दीक हैं अगर वो बाई फुट जा सकते हैं तो वो करना चाहिए, उससे हमारा हेल्थ भी ठीक रहता है। तो रॉन्ग पार्किंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, रॉन्ग पार्किंग के अगेंस्ट जो हमारी चालानिंग है वो आप लगातार देख रहे हैं कि वो बढ़ रही है, और हम कल परसों से इसको बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे रॉन्ग पार्किंग के अगेंस्ट जो मेन हमारा वायलेशन है। उसके बाद हमने ब्रेथ एनालाइजर्स वगैरह लाए हैं, जो भी गाड़ी रेस्ट ऑफ इंडिया से लद्दाख में एंटर करती है, चाहे वो मनाली से आए या चाहे वो जोजिला से आए, इंडिया के किसी भी पार्ट से, तो जो भी ड्रंकन ड्राइविंग करके आएगा हम उसको चालान करेंगे, उसमें गाड़ी सीज होती है 185 में, और उसमें हम कंपाउंड भी नहीं कर सकते हैं, नॉन कंपाउंडेबल है, उसमें हम कोर्ट को लिखेंगे। तो जो भी ड्रंक करके गाड़ी चलाएगा अगर बाहर का कोई ड्राइवर होगा, उसको कम से कम अगर कोर्ट फाइन करेगा तो 10,000 का है, नहीं तो उसको 6 महीने की जेल होगी। तो ये आपको ख्याल रखना है, तो मीडिया को इसमें अवेयरनेस करना है। अगर हमें कोई भी, लोगों को भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी ड्रंकन ड्राइविंग करता है तो हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर्स हैं, हम उसका यूज़ करके उसको अरेस्ट करेंगे, हम उसको चालान करेंगे कोर्ट को, और कोर्ट उसको कम से कम 6 महीने के लिए इम्प्रिजन कर सकता है, या 10,000 का उसका जुर्माना भी होगा, और 6 महीने के लिए उसकी जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी जो ड्राइवर है वो ड्रंकन ड्राइविंग करता है और ड्रंक करके जो है वो गाड़ी चलाता है, तो आप हमें बताएं, हमने जगह जगह पे पोस्टर्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, उस पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर्स दिए हैं, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का नंबर दिया हुआ है, तो आप हमारे साथ किसी तरह का अगर कोई ड्राइवर मिसबिहेव करता है, कोई ड्राइवर जो है ज़्यादा आपसे चार्जेस लेता है, फेयर ज़्यादा लेता है, आप सिर्फ हमारे नोटिस में उस चीज़ को लाएँ, आप देखेंगे कि हम उसके अगेंस्ट जो है सख्त से सख्त कार्रवाई